Hello everyone, how are you my dears? I hope that you all lovely guys will be good. This is Sabha and welcome to my channel The Pioneer Away Tailor. So guys, today we will discuss about the second part of the lesson 3, two stories about flying. And first part, his first flight, we have been discussed. And today we will discuss the second part, the black aeroplane. But before we start the lesson, let's know something about the author of this lesson. The author of this lesson is Frederick Forsyth. Guys, Frederick Forsyth was born on 25 August 1938 को Ashford, Kent, England में इनका जन्म हुआ था. He was educated at Tonbridge School and later joined the University of Granada in Spain. He joined the RAF and became a jet fighter pilot. RAF को ज्वाइन करने के बाद ये एक जेट फाइटर पायलट भी बन गए थे. Later he became a journalist and joined the BBC in 1965. BBC को इन्होंने 1965 में as a assistant diplomatic correspondent ज्वाइन किया. इस लेसन में मींस द ब्लैक एरोप्लेन में इन्होंने अपना मेमोरी शेयर किया है कि किस तरह से इनकी एक मेरेकुलसली थया इन्होंने एक अपनी यात्रा की थी जिसको आज तक ये नहीं जान पाए कि उस माहौल में उस एटमॉस्फेयर में इनकी हेल्प किसने की थी. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन. गाइस ये इस स्टोरी के अंदर जो हमारा पायलट है वही नरेट कर रहा है इस स्टोरी को. इट मीन्स जो हमारा राइटर है वही नरेटर है इस स्टोरी का. सो स्टार्ट करते हैं. वन क्लियर स्टारी नाइट विद अ ब्राइट मून द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस एंड वाज ऑन हिज वे बैक होम टू इंग्लैंड. बहुत ही ज़्यादा क्लियर मून लाइट थी, इट मीन्स चांदनी रात थी जब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो अपने डकोटा एयरप्लेन को लेकर के उड़ेगा उस फ्रांस में जिस जगह पर वो अभी था और वो वापस अपने घर इंग्लैंड जाएगा. ही वॉज थिंकिंग अबाउट इन्जॉइंग हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. वो ये सोच रहा था कि हॉलीडेज को वो अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करेगा. इट वॉज जस्ट पास 1:00 इन द मॉर्निंग वेन ही थॉट ऑफ गेटिंग इन टच विद द पैरिस कंट्रोल रूम. अभी सुबह के 1 बज रहे थे रात में, तो उसने ये सोचा कि वो क्योंकि फ्रांस यहाँ से जा रहा है तो उसको पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर लेना चाहिए. तो वो क्या करता है, वो जैसे वो नीचे देखता है, पास नोज अपने एरोप्लेन की तरफ देखता है. ही सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ हिम. तो वो देखता है कि बड़े से शहर की जो लाइट्स थी वो उसके सामने दिख रही थी. सो ही स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, उसने स्विच ऑन किया रेडियो पर, कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर. यानी कि अपनी जो अपना एरोप्लेन का नंबर था वो उन्होंने बताया, कैन यू हेयर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, ये कह करके उन्होंने बता दिया. तो जो उनकी वॉइस थी फ्रॉम द रेडियो आंसर, उनको इमिडिएटली तुरंत उनको आंसर मिलता है, रिप्लाई मिलता है DS-088 आई कैन हेयर यू. इट मीन्स जो पेरिस कंट्रोल रूम से आवाज़ आ रही थी वो इनको सुनाई दे रही थी कि मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12° west नाउ DS-088 ओवर, कि अब आप यहाँ से 12° west की तरफ मुड़ सकते हैं. ये उन्होंने आंसर पाने के बाद उन्होंने अपने जो एरोप्लेन था उसको जस्ट वहाँ से मूव कर लिया. लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जब उन्होंने अपनी चेक किया तो उनको सिर्फ ये पता लगा कि उनके पास सिर्फ सेकंड और लास्ट फ्यूल टैंक जो था सिर्फ वही बचा हुआ था. और ये ऐसा होप करते हैं, आशा करते हैं टू रीच होम इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो ब्रेकफास्ट तक अपने होम पर पहुंच जाएंगे. एवरीथिंग वॉज मूविंग अकॉर्डिंग टू प्लान एंड इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ जिस तरह का उन्होंने सोचा था, जिस तरह का प्लान किया था, उस तरह का चल रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी फ्लाइट लग रही थी. वेन ही वॉज जस्ट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, जब वो सिर्फ 150 किलोमीटर पेरिस से दूर थे, ही सा अ ह्यूज ब्लैक एंड ओमिनस क्लाउड अहेड ऑफ हिम, उन्होंने देखा एक बहुत काला बादल उनकी तरफ आ रहा था. इट वॉज लाइक अ डार्क माउंटेन, बिल्कुल कैसा देखा था, जैसे कोई बहुत बड़ा सा काला सा पहाड़ हो. ही वॉज अनेबल टू राइज अप एंड फ्लाई ओवर इट एंड डिड नॉट हैव सफिशियंट फ्यूल टू सर्कल अराउंड ईदर साउथ और नॉर्थ ऑफ इट. और वो इस चीज़ से बिल्कुल ही असमर्थ अपने आप को पा रहे थे कि वो उसके ऊपर से फ्लाई कर जाएँ, और ना ही उनके पास इतना फ्यूल था कि वो साउथ और नॉर्थ के चारों तरफ सर्कल लगा करके उस जगह से पार पा पाएँ या उस बादल को ओवर कर पाएँ. He was keen to reach home for a rich English breakfast, so he decided not to go back to Paris. लेकिन वो क्या चाहते थे, उनके दिल में बस यही था कि वो इंग्लैंड जाएं और अपने घर पर बैठ कर ब्रेकफास्ट करें, इसलिए उन्होंने पेरिस वापस जाना डिसाइड नहीं किया. He took the risk and flew his Dakota straight into the cloud. उन्होंने रिस्क लिया, और रिस्क क्या था, ये क्वेश्चंस भी आता है आपके एग्जाम्स में कि क्या रिस्क था जो हमारा ऑथर ना उसने लिया. तो रिस्क यही था कि उस डार्क क्लाउड के अंदर, क्योंकि जो पायलट्स होते हैं जिन्होंने एरोप्लेन
उड़ाते हैं, उनको पता होगा कि जो बादल होते हैं उनके अंदर, और इस तरह के बादल जो बिल्कुल काले हों, घने हों, उस तरह को पार पाना बहुत ही ज़्यादा ऐसे मौसम में वो बहुत डेंजरस होता है किसी भी पायलट के लिए। तो उन्होंने ये रिस्क लिया और उसके अंदर चले गए। वंस इनसाइड एवरीथिंग चेंज सडनली एंड ही वॉज अनएबल टू सी एनीथिंग। जैसे उनके जो प्लेन था वो अंदर की तरफ जाता है तो वो क्या देखते हैं कि सब कुछ अचानक से बिल्कुल सडनली से कुछ भी उनको दिखलाई नहीं देता, सब वहाँ से ख़त्म हो जाता है। टू हिज अटर सरप्राइज वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं। द कंपास ऑफ हिज एरोप्लेन स्टॉप फंक्शनिंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स टू सडनली वेंडेड। सब कुछ उनका जो था, जितने भी इंस्ट्रूमेंट उनके एरोप्लेन में थे, जो उनका कंपास था, वो सब डेड हो जाता है। इवन जो रेडियो रूम्स था, जो रेडियो को वो कांटेक्ट करना चाह रहे थे पेरिस कंट्रोल रूम से, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से डेड हो चुका था। उस स्टॉर्म में उनको कोई भी नहीं वो कर। सडनली ही सा ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिज डेकोटा। अचानक उनको दिखाई दिया कि डेकोटा, जो उनका एरोप्लेन था, उसके साइड में एक और ब्लैक एरोप्लेन है। द पायलट ऑफ दिस प्लेन टर्न टू हिम एंड सिग्नल टू फॉलो। उस प्लेन का जो पायलट था उसने वो इनकी तरफ मुड़ा और इनको सिग्नल दिया कि वो उसको फॉलो करें। ही टर्न हिज प्लेन स्लोली टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फ्लू अहेड ऑफ हिम। तो पायलट ने जो ये इस जो डेकोटा के इसमें जो ऑथर थे हमारे, उन्होंने उस जो प्लेन जिन्होंने इसको सिग्नल दिया था उसके पीछे उन्होंने स्लोली स्लोली नॉर्थ की तरफ फ्लू किया अपने एरोप्लेन को। द ऑथर फॉलोड हिज गाइड लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। बिल्कुल इस तरह से फॉलो किया जैसे कोई ओबीडियंट चाइल्ड होता है। बोथ द प्लेन्स फ्लू फॉर हाफ एन आवर व्हेन द ऑथर नोटेड दैट हिज फ्यूल वुड लॉस्ट जस्ट फॉर 5 to 10 मिनट। दोनों प्लेन आधे घंटे तक उड़ते रहे और तभी ऑथर ने ये नोटिस किया कि उनके पास जो फ्यूल था वो सिर्फ इतना था कि 5 or 10 मिनट ही अब उससे उड़ा सकते थे। ही वॉज टेरिफाइड। और ऐसा देखने के बाद, ऐसा जब उनको पता चला नोटिस करने के बाद, वो बिल्कुल डर गए क्योंकि इतनी देर, तो उसके बाद जाहिर सी बात है प्लेन को क्रैश हो ही जाना था अगर 5 मिनट के अंदर इनकी फ्लाइट ओवरटेक ना करती तो। बट जस्ट देन He found his guide pilot going down, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि इनका जो guide pilot था वो नीचे की तरफ जा रहा था। This relieved him and all of a sudden he came out of the stormy clouds and saw two straight line of light. फिर वो अपने डर से बाहर निकलते हैं और अचानक से वो क्या देखते हैं उस stormy cloud के बाद कि दो straight line जो है light की वो दिख रही है। It was a runway. वो दो lights कैसे थी, वो runway था। He turned around to look for his guide but couldn't see him एनी मोर। उन पीछे की तरफ मुड़ते हैं अपने गाइड को देखने के लिए, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। द ब्लैक एरोप्लेन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, कि वो ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से अचानक गायब हो गया था। हाउ एवर ही लैंडेड सेफली एंड वॉकड अवे फ्रॉम हिज ओल्ड डेकोटा टू द कंट्रोल रूम। वो बहुत सेफली अपने डेकोटा 088 को लैंड करने के बाद कंट्रोल रूम में आते हैं और जब वो पूछते हैं वहाँ पर बैठे हुए इस लेडी इंचार्ज से थैंक बोलने के लिए, द कंट्रोल की जो पायलट था, उस दूसरा पायलट जिसने इनकी हेल्प की थी, वो उसे मिलना चाहते हैं और उसको थैंक करना चाहते हैं। तो द लेडी इंचार्ज होती एट द कंट्रोल रूम लुक डैट हिम इन अ स्ट्रेंज मैनर एंड लॉफ्ट, उनकी तरफ बहुत ही आश्चर्य से देखती और हंसती है। शी टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो अदर पायलट और एन एरोप्लेन, वहाँ पर कोई भी एरोप्लेन या कोई और पायलट नहीं था। ऑल फ्लाइट्स हैड बिन कैंसल्ड ओइंग टू द रफ वेदर, क्योंकि इस वेदर को देखते हुए सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। एंड हिज वॉज द ओनली प्लेन दैट कुड बी स्पॉटेड ऑन द रडार। सिर्फ इनका यानी ऑथर का अपना प्लेन था जो कि रडार पर देखा गया था। ये है आपकी पूरी स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन की। लेकिन जो हमारा ऑथर था वो आइडेंटिटी ऑफ द डिवाइन गाइड हु हैड रेस्क्यूड हिम ऑलवेज रिमेंड अ मिस्ट्री फॉर द ऑथर। ये हमेशा उसके लिए एक मिस्ट्री बनी रही कि आखिर वो कौन था जिसने इनको बचाया था। This is from my side and I hope that you guys must have understood this lesson very well. Guys, if you don't subscribe my channel, please subscribe and press the bell icon to get new videos. Hit like button and comment and share more and more. Take care. Bye-bye. Have a nice day.